यशवंत जी, जब स्थितियां इस तरह की बनी हुई हैं और ऐसे समय में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री की भूमिका को फिर किस तरह देखा जाए? क्या वो उस भूमिका को निभाने की कहीं कोशिश कर रहे हैं कि देश में अमन चैन बना रहे, किसी तरह की अस्थिरता, अव्यवस्था ना फैले, आंतरिक विभाजन ना बढ़े? क्या सरकार के रवैये से कहीं इस तरह का जाहिर हुआ है आज तक? देखिए, मैंने अपने लेख में इस बात का भी जिक्र किया है कि इतना सब कुछ हो रहा है, हमारे प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं, हर छोटे विषय पर बोलते हैं, लेकिन इस विषय पर हमारे प्रधानमंत्री बिल्कुल खामोश हैं। उनकी उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला है, एक अपील उन्होंने नहीं की है कि भाई सांप्रदायिकता और सांप्रदायिक दंगे मत फैलाओ, देश में अमन चैन और शांति स्थापित करो। कहीं आपने देखा है? मैंने तो नहीं देखा है कि प्रधानमंत्री जी ने इसके बारे में एक शब्द भी कहा है। हमारे जो गृह मंत्री महोदय हैं, उनके पास इतना वक्त है कि वो कोलकाता जाएंगे, वहां पर एक भाजपा का कार्यकर्ता सो कॉल्ड अगर अपने को फांसी पर लटका देता है तो उसके घर तक जाने की फुर्सत उनको है, लेकिन इस बात की फुर्सत नहीं है कि वो अपील करें लोगों से कि सांप्रदायिक शांति यहाँ पर बहाल। तो ये स्थिति क्या दिखाती है, क्या दर्शाती है? यही दर्शाती है कि इन लोगों की रुचि ही नहीं है कि ये दंगे फसाद जो हो रहे हैं वो रुके, ये चाहते हैं कि वो और भड़कें, क्योंकि इनकी राजनैतिक रोटी इसी आंच पर सेंकी जाएगी। एक और चीज इसमें दाखिल हो गई है, बुलडोजर कल्चर, जो एक खास समुदाय के लोगों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। हमने दिल्ली में देखा, हमने मध्य प्रदेश में देखा, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ये बहुत पहले से कर रहे हैं। तो ये एक क्या ये जिस सांप्रदायिक राजनीति की आप बात कर रहे हैं, सांप्रदायिक ट्रैप की बात कर रहे हैं, उसका एक औजार बुलडोजर को भी बनाया जा रहा है? देखिए, हमारा देश जो है वो संविधान के अनुसार चलना चाहिए, हमारा देश जो है वो रूल ऑफ लॉ के अनुसार चलना चाहिए। ये जो बुलडोजर चले हैं, या तो दिल्ली में या मध्य प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में, और लोग कोई बुलडोजर मामा बन गया, कोई बुलडोजर बाबा बन गया, ये सब लोग बिल्कुल गैर कानूनी काम कर रहे हैं। कानून बुलडोजर यूज करने की इजाजत इस परिस्थिति में नहीं देता है। कहां पर ये लिखा हुआ है कि आप बिना नोटिस के, बिना लीगल प्रोसेस के आप किसी को बचाइए, किसी का घर गिरा दीजिए? यहां तक कि आप समझिए कि मध्य प्रदेश में तो जो प्रधानमंत्री निवास आवास योजना के अंतर्गत घर बने, वर्षों से जो लोग रह रहे हैं उन लोगों के घर को भी ढा दिया गया। तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि सरकार स्वयं कानून का पालन नहीं कर रही है, बल्कि कानून का घोर उल्लंघन कर रही है, और बुलडोजर आज के दिन इसका प्रतीक बन गया है, इसका चिन्ह बन गया है कि हम बुलडोजर से इलीगल काम करेंगे, जो करना है कर। ये भेदभाव हम दिल्ली के दंगों में भी देख चुके हैं, जहांगीरपुरी में जो कुछ हुआ, जैसे कुछ हुआ, और एक खास विशेष समुदाय के लोगों को ही टारगेट किया गया, अरेस्ट किया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। तो न केवल जो सत्तारूढ़ दल है वो एक निष्पक्ष भाव से काम करने की जो अपेक्षा रखी जाती है वो तो नहीं कर रहा है, विशुद्ध रूप से डंके की चोट पर भेदभाव पूर्ण राजनीति करने और पुलिस का इस्तेमाल करने, एजेंसियों का इस्तेमाल करने में लगी। मुकेश जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया। मैं भी पहले कह चुका हूं कि ये सब कुछ सरकारी आशीर्वाद के अंतर्गत हो रहा है। अब सरकार खुद आशीर्वाद दे चुकी है कि सांप्रदायिक हिंसा फैले इस देश में, तो फिर इस प्रकार कि हमको उम्मीद ही नहीं रखनी चाहिए कि इसमें तनिक भी रूल ऑफ लॉ नजर आएगा, क्योंकि इसके पीछे से भारत की सरकार है, और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं प्रदेशों में, वो स्वयं है इसके पीछे। तो ये सब कुछ गैर कानूनी ढंग से हो रहा है, और इसलिए हो रहा है क्योंकि एक समुदाय को टारगेट करना है हम लोगों को। हमारा कौन दुश्मन है आज के दिन? भारत में हमारे जैसे लोग, आपके जैसे लोग रह रहे हैं, तो हम किसको अपना दुश्मन मानते हैं? हम आप मुसलमान को अपना दुश्मन नहीं मानते हैं,
लेकिन अगर बहुसंख्यक हिंदू के मन में ये डर पैदा कर दिया जाए कि तुम सुरक्षित नहीं हो, क्योंकि इस देश में जो अल्पसंख्यक हैं वो तुमको बिल्कुल बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, और तो उस डर के अंतर्गत हम अनरीजनेबल काम करना शुरू कर देंगे, तो बहुसंख्यक समुदाय के मन में अल्पसंख्यक समुदाय के प्रति डर की भावना, घृणा की भावना पैदा करना, यही सरकारी तंत्र आज के दिन कर रहा है। और अगर ऐसा नहीं होता तो आप इस बात से सहमत होते कि इतने दिनों से ये चल रहा है, एक बार तो कम से कम प्रधानमंत्री जी को कहना चाहिए था कि भाई ऐसा मत करो, देश में शांति स्थापित हो, देश में रूल ऑफ लॉ स्थापित हो, देश में संविधान के अनुसार काम हो। एक बार भी प्रधानमंत्री जी विदेश गए, बड़ी बड़ी बातें करके आए वहां पर इंडियन कम्युनिटी के साथ मिलकर, खूब ताली पिटवाई, लेकिन देश में एक बार भी उन्होंने इसके बारे में कोई बयान जारी नहीं किया है, मीडिया को कोई इंटरव्यू नहीं दिया है। मीडिया से तो खैर वो दूर ही रहते हैं, क्योंकि अगर करना भी है तो केवल गोदी मीडिया के साथ वो बात करेंगे, और नहीं तो नहीं करेंगे। तो इस मसले पर तो उन्होंने गोदी मीडिया का भी उपयोग नहीं किया है। तो ये स्थिति है दुर्भाग्यपूर्ण।